हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब हमेशा एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा फ़ोन में एक प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ। तो कैसे, आप जानते हो मेरे पास सिर्फ फ़ोन ही है, मेरे पास कोई कंप्यूटर और कुछ नहीं है। सो गाइस, बहुत तकलीफ से एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कैसे इस टाइप का एक प्रोडिंग कर सकते हो। तो गाइस, ये अंडर वाटर फोटो मैं मोबाइल से बना, तो गाइस सिर्फ आपके लिए। तो इस एडिटिंग करने के लिए जो जो PNG एंड बैकग्राउंड में यूज़ किया, सबका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बुक में दे रखा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दिया, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, ओके? और गाइस, मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पर क्लिक कर देना। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, प्रेजेंटेशन चला जाएगा। सिंपली ये बैकग्राउंड पिज्जा के अंदर ओपन करना। इस बैकग्राउंड में खुद ही बनाया, तो इस बैकग्राउंड के बारे एक मॉडल कैट कर लूँगा। तो इस मॉडल का बैकग्राउंड में कैसे रिमूव किया, तो सब जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू प्रोफेशनल बैकग्राउंड रेस, आप चाहो तो देख सकते हो। तो पहले इस मॉडल की कैपेसिटी को थोड़ा सा कमा लेंगे, कमाने के बाद ठीक ठाक से बैठा लेंगे हमारा पानी का नीचे, ऐसा लगना चाहिए हमारा मॉडल पानी का अंदर ही बैठा है, ओके? तो सिंपली हमें बैठा दिया। बैठने के बाद गाइस, सिंपली हमारा जाना होगा इरेजर में, तो इरेजर के अंदर जाके कुछ इरेज करना होगा। तो इस पानी का जो बूंद दिख रहा है, बूंदों दिख रहा हो, तो उसको हमें इरेज करना होगा, ताकि ऐसा लगेगा इस बूंदों का पीछे हमारा मॉडल है, ओके? तो सिंपली इसको मैं इरेज कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ व्हाइट दिख रहा हो, तो एपेसिटी को नहीं कमा हो तो ऐसा शो नहीं करेगा, तो एपेसिटी को कमा लेना। तो मैं बहुत सारे बूंदों को इरेज कर लूँगा, आप कर लेना। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ ताकि मेरा ट्यूटोरियल बहुत लंबी ना हो जाए, ओके? अब धीरे धीरे से कर लेना। तो यहाँ कुछ नहीं करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ कुछ करूँगा, तो यहाँ कुछ इरेज कर दूँगा यहाँ साइड में। तो यहाँ भी कर दूँगा हेयर के। देखो गाइस, एकदम ऑर्जिनली लग रहा है, एकदम हमारा बूंदा का पीछे हमारा मॉडल है, ओके? तो इस कैपेसिटी को एडजस्ट कर लेंगे, कैसे करते आप देख लो, ऐसा लगना चाहिए हमारा इस बूंदों का पीछे हमारा मॉडल है पानी का नीचे, ओके? तो सिंपली हो गया, सिंपली कर दूँगा डन। डन करने के बाद कुछ PNG में यूज़ करूँगा, तो जो कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बुक में दे रखा, आप डाउनलोड करना। तो ये मैं डाउनलोड किया, गूगल से ही डाउनलोड किया, तो इसको यहाँ से यहाँ में लगा दूँगा, लगाने के बाद और इसको यहाँ में लगा दूँगा। लगाने के बाद बहुत छोटा हो जाए कि नहीं, इसके एपेसिटी को थोड़ा सा कमाओ तो एकदम ऑरिजिनल कैसा के लगे, एपेसिटी को कमाओ तो ऐसा लगेगा हमारा पानी का अंदर ही है हमारा ये, ओके? तो सिंपली यहाँ में लगा दूँगा। एपेसिटी को नहीं कमाओ तो ऑरिजिनल के जैसा लाइन नहीं लगेगा। तो गाइस देखो, इस बार ऑरिजिनल लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमारा अंडर वाटर है ये, एकदम ऑरिजिनल अंडर वाटर के जैसा ही लग रहे हैं, है ना? तो सिंपली इस मछली को PNG हमें लगा दूंगा, फिश का PNG। तो फिश के ऊपर जो बूंद है, तो गाइस उसको हमें इरेज करना होगा। तो पहले मैं इस फिश को ठीक ठाक से बैठा लेंगे, आप सभी को थोड़ा सा काट लेंगे, इधर के अंदर जाऊँगा और इस बूंदों की इरेज कर दूँगा, ताकि ऐसा लगेगा हमारा इस बूंदों का पीछे हमारा फिश चल रहा है, ओके? एकदम पानी का नीचे एकदम ऑरिजिनली। देखो गाइस कैसा लग रहा है, एकदम ऑरिजिनली कैसा लग रहा है, बूंदों का पीछे हमारा फिश है, ओके? तो सिंपली सब फिश को इस तरीके से मैं बैठा दूंगा। तो गाइस, आप जानते हो मैं बंगाली हुई नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ छोटो भाई समझ के क्षमा कर देना, ओके? तो फिर थोड़ा थोड़ा सीरियस कर दूंगा, यह कुछ बूंद है। देखो गाइस, एकदम ऑरिजिनल लग रहा है, एकदम ऑरिजिनल कैसा लग रहा है। तो सिंपली इसका एपेसिटी को थोड़ा कम लगेगा, तो सबका एपेसिटी कम ही रख देना, ताकि ऐसा लगे हमारा अंदर पानी का अंदर है, ओके? तो ऐसे इसको मैं एपेसिटी कर दूंगा, सेम तरीके से इरेज कर दूंगा। सो गाइस, मेरा फ़ोन में ही सब वीडियो बनाता हो, तो गाइस मेरे पास कोई कंप्यूटर, कोई DSLR कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक फ़ोन है, बहुत लो क्वालिटी फ़ोन है। तो उस फ़ोन में प्रॉब्लम हुआ, मैं गेम खेलता हूँ, तो गाइस उस गेम खेल के मेरा फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो उसके लिए मेरा वीडियो मैं नहीं वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बहुत तकलीफ से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को वायरल कर दो गाइस, मेरा एक भी वीडियो भी वायरल नहीं हुआ। तो सिंपली और एक फोटो में ऐड कर लिया, तो इसका बैकग्राउंड में इरेज कर लिया, कैसे करते हैं आप डिस्क्रिप्शन बुक में एक वीडियो का लिंक पाओगे, हाउ टू इरेज बैकग्राउंड, आप जाके देख सकते हो। तो सेम नीचे जो मॉडल बैठा है ना, तो गाइस आपका फोटो नीचे लगाया तो आपका फोटो ही ऊपर लगाना, ओके? तो जिस मॉडल का फोटो नीचे लगेंगे तो उस मॉडल का फोटो ही ऊपर लगेंगे, आप सभी को कमा के थोड़ा थोड़ा इरेज करके ऊपर लगा दें, एकदम सिंपल है। आप अभी तक नहीं समझा तो वीडियो को फिर A to Z लगना।
और ये स्मोक पेन जी मैं ऐड कर लेगा तो इसका बेल्ट को कर दूंगा स्किन, करने के बाद इसका डुप्लीकेट कर लूँगा। तो इस डुप्लीकेट ऑप्शन आपके पास नहीं है तो पिक्जट को अपडेट कर लो, आपके पास डुप्लीकेट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो सेम तरीके से मैं काट लिया उस साइड में, दो साइड में लगा दिया। तो सिंपली इस फोटो को मैं सेव कर लूँगा ड्रॉ के अंदर जाके, मोबाइल पे सेव कर लूँगा। तो ये सेव करने के बाद ये फोटो हमारा सिंपली लेना होगा लाइटरूम के अंदर। देखो गाइस मैं लाइटरूम के अंदर आ गया, तो लाइटरूम के अंदर उस फोटो में वो ऐड कर लूँगा। तो ऑलरेडी देखो गाइस आ गया लाइटरूम के अंदर, फोटो के ऊपर टैप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली रोटेट कर लूँगा, करने के बाद कुछ स्टेप यूज करके ये फोटो में एडिट करूँगा। तो बहुत अच्छे से एडिट करूँगा, कैसे करते हैं लाइटरूम के अंदर बहुत ही खास एडिटिंग होते हैं, उसके लाइटरूम का ट्यूटोरियल मिस मत करना। तो सिंपली ब्राइटनेस में जाऊँगा, जाने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, बढ़ाने के बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और हाइलाइट्स को क्या करेंगे थोड़ा सा कमा लेंगे, हाइलाइट्स को कमा लेंगे और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और व्हाइट को क्या करेंगे आप देखते हैं तो कैसे लगते हैं, व्हाइट को थोड़ा सा कमा लेंगे और ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो गाइस देखो लाइट देने के बाद फोटो के ऊपर कितना अच्छा लगेगा बिफोर कैसे था पिक्चर के अंदर और लाइटरूम में लाइट देने के बाद कैसे हुआ देख लो। तो सिंपली हमारा सेकंड स्टेप में जाऊँगा, सेकंड स्टेप में हमारा कलर में जाना होगा, कलर में जाने के बाद टेप को थोड़ा सा कमाना होगा और टिंट को थोड़ा सा कमाना होगा और वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा कमा देना। तो वाइब्रेंस 1 हो गया तो कैसे कमाएंगे कि नहीं, तो आपका मर्जी में रख देना ये। तो सिंपली मिक्स पे जाऊँगा तो वाइब्रेंस को थोड़ा सा कमा ही देना, मिक्स पे जाना। मिक्स पे जाने के बाद हमारा ये ब्लू चूज करना होगा, हमारा वाटर के कलर है, इसका ह्यू को हमारा थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। बढ़ाने के बाद देखो गाइस हमारा ब्लू कलर एकदम ओरिजिनल ब्लू कलर पानी का कलर हो गया, मेरिन के कलर जैसा हो गया। तो सिंपली सेशन को थोड़ा सा कमाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगा और लोमेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। और ये ब्लू गाइस हमारा मॉडल का क्लोथ की कलर है और कुछ कुछ पानी का कलर भी है। तो सिंपली इसको ह्यू का थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सेशन को थोड़ा सा कमा लेंगे और लोमेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और ये हमारा मॉडल का फेस की कलर है, तो गाइस मॉडल का फेस के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डालेगा ताकि हमारा मॉडल पानी के अंदर है उसके लिए नहीं करेंगे। तो कलर के अंदर काम हमारा ख़त्म है। तो गाइस और एक स्टेप में जाना होगा, तो हमारा जाना होगा इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद हमारा डीएस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो बस डीएस ऑप्शन हमारे फोटो के ऊपर एचडी लुक डालते हैं आप जानते हो, और क्लैरिटी को बढ़ा देना, क्लैरिटी हमारे फोटो के ऊपर ब्लैक ब्लैक लुक डालते हैं आप जानते हो, और टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, टेक्सचर हमारे फोटो के ऊपर शार्पनेस लुक डालेगा, और बिगनेस को थोड़ा सा कमा लेंगे, बिगनेस हमारे फोटो के आसपास ब्लैक ब्लैक जैसा लुक डालेगा। तो इस देखो कैसे था पहले और लाइट में नरेट करने में कैसे हुआ। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये डिटेल्स में जाना होगा, शार्पनिंग को थोड़ा सा बांधना होगा, नॉइस को थोड़ा सा बांधना होगा और कलरनेस को बांधना होगा। ये करने के बाद हमारा फोटो के ऊपर जो सा नॉइस था पहले तो रिमूव हो गया एकदम और स्मूथनेस फोटो बन गया। तो इस मेरा उम्मीद है ये वीडियो आपका अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।